हाय फ्रेंड्स, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है। मैं दुख के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इस चीज को कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया है। हमने पृथ्वी को कभी अपना समझा ही नहीं है। हमने हमेशा ही पृथ्वी को अपना दुश्मन ही समझा है और पिछले 100 सालों में तो कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से हमने अपनी इस दुनिया को ट्रीट किया है और शायद उसी का हर्जाना आज हम कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। 50 साल हो गए अर्थ डे मनाते हुए। 1970 में स्टार्ट हुआ था, हर साल 22 अप्रैल को, आज भी 22 अप्रैल है। और सच मायने में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 50 साल बाद आज वाकई में पृथ्वी खुश होगी, अर्थ खुश होगा, क्योंकि पॉल्यूशन कम हो गया है, गाड़ियां ना के बराबर चल रही कोरोना वायरस की वजह से, गंगा नदी का पानी साफ हो गया है जहां से बहता है, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे मतलब नॉर्थ साइड में, ऊपर से अपने इधर फ्लेमिंगोस मैंने देखा था नवी मुंबई में, बहुत सालों बाद बहुत ज्यादा भर के आए थे। कुछ जानवर सड़कों पे चल रहे हैं, कुछ लियोपर्ड खुले घूम रहे हैं। तो वाकई में अर्थ डे तो आज मनाना चाहिए, लेकिन हमने ये खुशी से नहीं मनाया। हम अपनी जान की परवाह कर रहे हैं इस कोरोना वायरस में हमें कुछ ना हो, इसलिए हम घर के अंदर दुबक के बैठे हैं अपनी सावधानी के लिए, और इसीलिए नेचर खुद को हील कर रहा है। आपको एक चीज बताता हूं क्लियर, नेचर पहले से था, दुनिया जो है वो पहले से थी, इंसान बाद में आया, समझ रहे हैं? तो इंसान जाने के बावजूद ये दुनिया वैसे की वैसे ही रहेगी। नेचर अपने आप को खुद को हील कर ही लेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पेड़ पौधे जंगल खत्म कर दोगे तो ऐसी चीजों के गैसेस से, बीमारियों से या किसी तरह से ये दुनिया आगे जाके तबाह हो जाएगी। ये तो अब आपको, ये बात तो आपको भ्रम नहीं लगती होगी। अब जिस तरह से चीजें हो रही है ऐसे ही लग रहा है, जो कई सारे बड़े बड़े लोगों ने, ज्ञानियों ने कहा गया, इस साल दुनिया तबाह हो जाएगी, उस साल दुनिया खत्म हो जाएगी, कले तो नहीं कहा है, वह तो आप अभी देख ही रहे। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड अर्थ डे आज सही मायने में सेलिब्रेट हो रहा है और लोग को मजबूरी में करना पड़ रहा है। हम ऐसे लोग हैं, बड़े ही आलसी है हम, बोलते ना जिसका खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं। तो हमने इस पृथ्वी को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। हम बारिश का पानी हमने कभी प्रिजर्व नहीं किया। हम जमीन के अंदर खोद के बाउड़ी बनाते हैं, नलके गाड़ देते हैं, मोटर से जितना मन करता है धरती के अंदर पानी उतना निकालते हैं, सोचते हैं खेतों को सींचे उसके बाद नहाए धोए उसी में हर चीज करे। यार उधर भी तो कहीं ना कहीं से पानी जा रहा है, वहां का भी तो पाताल का ही पानी सूख रहा है। इंडिया के कई सारे राज्य जहां पे पानी के बहुत ज्यादा इश्यूज है, और ये आमिर खान ने खुद कैटर किया था उनके पानी फाउंडेशन के थ्रू, स्पेशली महाराष्ट्र के कई सारे राज्य जहां पे सूखा है, कई सारे किसान जो फसल उगाने की कोशिश करते हैं उनको प्रॉपर टाइम पे जब पानी की जरूरत होती है सींचने के लिए खेत, तो पानी नहीं रहता है। तो और फिलहाल जो सिचुएशन आई है पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया की ही अगर बात करें, हर महीने में बारिश हुई है, पिछले 1 सालों में हर महीने में बारिश हुई है कहीं ना कहीं, और ऐसा कभी नहीं होता था, राइट? ऐसा कभी नहीं होता था। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पृथ्वी को बहुत बुरी तरह से परेशान किया है, अब नेचर हमें खुद परेशान कर रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मारना चाहता हूँ, वीडियो बनाया हूं तो उसमें से जितना हो सकता है मेरे पास नॉलेज है वो आपको शेयर करता हूँ। हमने पेड़ों को काट के उससे फर्नीचर्स बनाए हैं, उससे बहुत सारी चीजें बनाई है, कुर्सियां बनाई है, टेबल्स बनाए हैं, बेड बनाए हैं, बहुत सारी चीजें बनाई है, जितना हो सका हमने उतनी चीजें बनाई है ना। पहले तो लकड़ियों के घर, अभी भी कई सारे लकड़ियों के घर होते है ना, तो वो सब चीजें हमने बहुत कुछ बनाई है, उसके पेपर से हम लिखते हैं, सालाना पता नहीं कितने पेड़ काटे जाते हैं, उस पेड़ों से पेपर्स बनते हैं, पेपर्स जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे, कई सारे जो जंगल है उसको काट काट के वहां पे बड़े बड़े घर बन रहे हैं। देखो पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पेड़ कटेंगे, सी बात है, इंसान को रहने के लिए जगह चाहिए उसके लिए वो पेड़ काटेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हम उसका, देखो हम उसकी भरपाई तो कर ही नहीं रहे, पहली बात हम काटते जा रहे हैं, राइट? उसको उगाने के लिए कुछ करते हैं क्या, या हमने कुछ उसको कुछ ज्यादा तो फायदा नहीं लेने का सोच लिया, जैसे कि हमको मिला फ्री में तो भाई खोदते जाओ जो मिलता लेते जाओ, वैसा फिलहाल मुझे ऐसा लगता है हमने वैसा ही किया है।
इतने सालों से जब से हम समझदार हुए, जब से चीजें चल रही, हमने हमेशा पृथ्वी का जितना हो सका उतना चीजें निचोड़ी है, अंदर से यहां से वहां से, उसको दिया वापस में रिटर्न कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि अर्थ का कंजर्वेशन कैसा होता है, एनवायरमेंट को कैसा बचाना चाहिए, तो कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे, जैसे कुछ लोग है पेड़ उगाने का काम करते हैं, कुछ लोग पानी को गंदा नहीं करते हैं, कुछ लोग साफ सफाई मेंटेन करते हैं, कचरे नहीं डालते, प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज नहीं करते फालतू का। हमें सरकार को हमको कहना पड़ेगा कि तुम लोग प्लास्टिक बैन करो, तुम प्लास्टिक मत यूज करो, और हम क्या है प्लास्टिक यूज करते उसको रस्ते फेंक देते, इधर फेंक देते उधर फेंक देते है। नदी जो है ना वो नाला बन चुकी है आज के टाइम में दोस्तों, हमने यहां तक उसकी सिचुएशन खराब कर दी है। गंगा नदी नदी नहीं बनी है, कोई नदी नदी नहीं रही है, वहां पे पॉल्यूशन हो चुका है पूरा, बहुत सारे कारखाने, उसका गंदगी कहाँ जाता है, उसी में जाता है, नदी में जाता है, बह जाएगा समुद्र में, छड़ ना अपन तो चिल्लाउट है, अपने घर में तो सब साफ सफाई है ना यार, पृथ्वी भी अपने ही घर है। आज पृथ्वी को हम जो गंदा करके बैठे हैं ना, उसी का हर्जाना हम भुगत रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमेशा ये कोशिश करे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कुछ तो कर ही सकते हो, कचरा डस्टबिन में डाले ताकि वो सही जगह पर जाए, रस्ते पर कचरा ना करे, प्लास्टिक कम से कम यूज करे, हो सके तो पेड़ लगाए, अगर आपके बस में है पेड़ ना कटे तो उधर तक की कोशिश करिए। हम क्या कर रहे हैं पता है क्या, हम खुद की सहूलियतों के लिए ना जानवरों की सहूलियतों को दाव पर लगा के बैठे, जंगल काट रहे, उस जंगल में तो जानवर रहते होंगे ना, एक बड़ी सी एकोलॉजी होगी, जानवर पेड़ पौधे पंछी तितली सब खत्म पेड़ कटने से। हम कुछ नहीं, हम इतने बेकार है, निष्ठुर है, हम उस जंगल में जाके आग लगा देते हैं, आग लगा देते पूरा एनवायरमेंट की मां बहन कर दे रहे, प्राउड हो रहा है हमने जंगल जला दिया, अब हम वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, हाई राइज बड़े बड़े लोगों के लिए होटल्स बनेंगे, बड़े बड़े 3 BHK 4 BHK फ्लैट्स बनेंगे, हम सबसे टॉप फ्लोर पे आलिशान तरह से रहेंगे। अरे यार तुम जिस आलिशान जगह पे रहने की बात करें ना, वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं वो पहुंचेगी आग बुझाने के लिए, जिसने आग लगेगी। तो मेरा सिर्फ कहने का ये सीन है कि हमने अपने लिए खुद कब्र खोदनी शुरू कर दी है, हमने एनवायरमेंट को इतना धक्का दिया है कि अब हमसे वो उसका हम पर वो असर आज अब जाके हो रहा है। बेमौसम बारिश, तूफान, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, पंछियों का विलुप्त होना, जानवरों का विलुप्त होना, हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, हमने तो जंगल भी काटे हैं, हमने पंछियों को भी मारा है, हमने शेरों को चीतों को मारा है। कुछ लोग बोलते हैं अरे वो शहर में तेंदुआ घुसा है, शहर में नहीं, तुम जिधर जिस खेत में घर बनाया है, जिस जंगल में घुसे हो ना, उस जंगल उनका है, तुम घुसे हो। तो ये चीज है दोस्तों, हमने बहुत जख्म दिए है इस पृथ्वी को, इस धरती माँ कहते ना, ये धरती मेरी माँ है, अपनी माँ को, ठीक है, तो उसी का भुगतान हम कर रहे, और अब जाकर धरती अपने हिसाब से हील हो रही है कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस की वजह से। अफकोर्स हमने ये मजबूरी में कर रहे कि हमको घर से बाहर नहीं निकल सकते इस इश्यूज में, तो आज पहली बार मैं कहूंगा कि अर्थ को अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट मिल रहा है, कुछ जानवर बहुत सुकून से रहते होंगे जंगलों में कि अब उनका शिकार नहीं होगा कुछ महीने तक, क्योंकि कुछ महीनों तक इंसानों का शिकार हो रहा है, वो भी कोरोना वायरस कर रहा है। यार इट्स गिव एंड टेक, दो किसी के सपोर्ट में मैं नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट यही कहने का मतलब मेरा है कि हमने अपनी इकोलॉजी को बिगाड़ा है, हम नेचर से दूर जाते जा रहे हैं, बट नेचर के साथ ही हमें चलना है, वही इम्पोर्टेंट चीज हम नहीं कर रहे, इसलिए आई थिंक नेचर हमको भी परेशान कर रहा है और हमारी ये हालत बुरी से बुरी हो रही है। एक वक्त था जब हमें शेल्फ लाइफ होती थी, 80 90 100 साल, 110 120 साल जीते थे, आज 60 साल जीना भारी है ब्रो, 60 साल जीना भारी पड़ने वाला है, 20-22 साल के लोगों को अटैक हो जा रहा है, बचपन से डायबिटीज के साथ पैदा हो रहे हैं, क्या बचा है ब्रो, क्या बचा है, दवा पे तो चल रहे सैकड़ों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग, क्या बचा है। तो दिस इज वॉट वी हैव डन,
बहुत धुआं उड़ाया है कंपनीज ने, ये सब ने हवा में गंध मचा रखी है, गाड़ियों ने गंध मचा रखी है। जो इंसान अपने दोस्त यारों को लेकर एक ही ऑफिस में जाते हैं, एक गाड़ी यूज कर सकते हैं, चार चार हर कोई अपने अपने अलग अलग गाड़ी में जा रहा है, चिल आउट भाई चिल आउट कर रहे हैं, तो गंध हमने ही मचाई है तो भुगतेगा कौन, हम ही भुगतेंगे ना। तो दिस इज नॉट ए वीडियो टू टीच, मैं तो कुछ ज्ञान देने नहीं बैठा हूं, ये वीडियो मैं को अंदर से जो फील है वो मैं बता रहा हूँ, पृथ्वी को लेकर, हमारी धरती माँ को लेकर। हमें कुछ अच्छा करना है तो ये जरूर करना है कि हमारे बच्चों को जरूर ये सिखाए कि कचरा रस्ते पर नहीं फेंकना है, और जो माँ बाप ऐसा करते हैं उनको रोकिए उधर, बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। हम रस्ते पर गंदगी करते हैं, हर चीज करते हैं, फेंक देते इधर उधर, कोई तो उठाएगा ना, वो नहीं उठाएगा तो आसपास की झाड़ियों जंगल में जाके वो प्लास्टिक उस जंगल को भी खोखला करेगी, करेगी ना, प्लास्टिक कहां सड़ती है। हम अपनी ही मौत मरने वाले ब्रो, यही चीज होने वाली है, नथिंग एल्स। सो जितना जल्दी इंसान सुधर जाएगा उतना जल्दी हमारा जो पृथ्वी है वो हील करेगा। हम पृथ्वी को छोड़ के मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पृथ्वी को हील करने या ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, समझे, ये प्रॉब्लम है। बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल, हर जगह हर चीज कर रहे हैं कि हाँ हैप्पी एनवायरमेंट डे, हैप्पी एनवायरमेंट डे। क्या किया है आपने, कुछ किया है? और जो करता है उसको तो हम रोक देते हैं। मुंबई के आले कॉलोनी में जंगल काटने की बात हुई है, बड़ा सा, बताइए क्या कर सकते, मुंबई का लंग्स कहते हैं आरे कॉलोनी को। तो ये सब चीजें चालू है ब्रो, कुछ नहीं कर सकते हम, अगर सकते हैं तो बस साथ मिलकर हम सभी इन सब के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जो हमें गलत लगता है, और अगर हम वो भी ना कर सके तो आसपास हमें अपना एनवायरमेंट बेहतर कर सकते हैं, ताकि हम कचरा हवा ना फैलाए और जो कोई गंदगी करता है उसे रोके, और अपना एक बेसिक सा फर्ज निभाए, अगर हो सके तो पेड़ लगाए। मेरे ख्याल से इतना तो हम खुद के लिए कर ही सकते हैं। और आपको पता है कुछ तो आज इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था मैं, छह झाड़ लगते हैं एक आदमी को साल भर का ऑक्सीजन देने के लिए, छह पेड़ लगते हैं, सोचिए कितने पेड़ की जरूरत है इस दुनिया में। एनीवेज मैंने हाल ही में एक बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री, 7 एपिसोड्स की, द 7 प्लैनेट्स कुछ इस तरह से है, वो आप देखिएगा, और उसका उसका वेब सीरीज का जो सीरीज है वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, उसका मैं नाम लिख देता हूँ इस वीडियो के नीचे, उसको जरूर देखिएगा, आपको समझेगा कि हमने पृथ्वी को किस तरह से खोखला किया है और हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, और उसकी वजह से क्या क्या हम भुगत रहे खुद, और जानवर पंछी पक्षी ये सब लोग किस तरह से हमारी किए की सजा अब भी भुगत रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। एनीवेज किसी को बुरा लगा तो माफी चाहता हूं, बट ये मेरी भावना थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। बाय बाय।